राधे राधे। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आया था नानी के घर। फिर नानी के घर के बाद मैं गया था घूमने वृंदावन। फिर वहाँ से लाया था मैं राधा रानी। और आपको पता होगा कि मैं राधा रानी लाया था। फिर आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिर मम्मी बहुत सारा भोग बना रही है उनके लिए। मम्मी फिर उनके लिए भरवा भिंडी बना रही है, आलू, और उनका सबसे फेवरेट राधा रानी का वो है अरबी। राधे राधे दोस्तों, तो सारांश ने आपको बताया ही होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं मम्मी की राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा। हमारे पास तो लड्डू गोपाल भी है, राधा रानी भी है, पर मम्मी के पास लड्डू गोपाल तो दो हैं पर राधा रानी नहीं थी। तो इस बार जब मम्मी और हमें वृंदावन लेके गए ना, तो मम्मी का बहुत मन था राधा रानी रखने का, पर वही होता है ना, जब जिस चीज का संयोग होता है वो तभी होता है। तो उनका वहां से आने का वो था, तो वहां पर हमने राधा रानी जी को लिया है। अभी उनको ऐसे ही रखा हुआ है, 3-4 दिन हो गए हैं। आज थर्सडे है, इसीलिए हमने सोचा आज इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ राधा रानी, और मैं क्या क्या बना रही हूँ आज। आज मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ, अरबी की सब्जी बना रही हूँ जो कि राधा रानी जी की फेवरेट होती है, आलू की सब्जी बना रही हूँ, पूरी भी बनाएंगे और थोड़ा मीठा भी बनाएंगे कुछ। तो चलिए फिर सबसे पहले हम राधा रानी जी को देखते हैं, फिर हम भोग बनाते हैं, फिर हम उनका अभिषेक करेंगे। तो ये हमारी राधा रानी जी का विग्रह है। ये मैं अच्छे से इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इनका अभिषेक नहीं किया है, इसलिए वस्त्र भी नहीं पहनाए हैं। तो जब अच्छे से अभिषेक कर देंगे, वस्त्र पहनाएंगे, तो आपको मैं इनकी असली जो छवि है वो दिखाऊंगी। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, देखते ही प्यार हो जाए वैसा। इस टाइम पे हम लोग फरीदाबाद में है क्योंकि फरीदाबाद में मेरे पापा की ट्रांसफर हो गई थी, इसलिए यहाँ पे रेंट पे लिया हुआ है कुछ टाइम के लिए। तो हम यहीं पर आए हैं छुट्टी मनाने के लिए। पहले हम जहाँ मेरा भाई रहता है घर पे, वहां गए थे एक हफ्ता, वहां रहे, फिर पापा हमें यहाँ पे ले आए। तो अब चलिए तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी काट के रख दी है, मसाला भिंडी बनाऊंगी, नो लहसुन नो प्याज। सबको पता ही है लहसुन प्याज तो डलता ही नहीं है भगवान जी के भोग में, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊंगी सारा का सारा। यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी है, अरबी की सब्जी, आलू की सब्जी और अपना मसाला भिंडी, टमाटर और हरी मिर्च से ही बनेगा। बस चलिए बनाते हैं। प्लेट लाई है, रेंट पे रहते हैं इसलिए हम बारह ज्यादा बर्तन नहीं है, हम चिलमची में कर रहे हैं, वरना हम कांच की प्लेट में करते। ये मेरे बच्चे बहुत ज्यादा दंगा कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों, हल्ला गुल्ला गुल्ला हल्ला। सबसे ज्यादा तो यही कर रहा। हाँ बेटा, यहाँ पर हमने सामान ले लिया है, यह है खांड, घी, शहद, दही, दूध कच्चा। तो अब श्री जी को मम्मी जी रखेंगी। जय हो राधा रानी की, राधे राधे। चलिए जल और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय करो जय करो, जय जय हो रही है ना, जय जय राधा रानी, राधे राधे करो, राधे 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 राधे, नानी करा रही है जय जय स्नान। हेलो तो अब हमारे लड्डू जी नहाएंगे, हम उनको नहाई नहाई कराएंगे, राधा रानी हमारी तैयार हो रही है, मम्मी उनको तैयार कर रही है लाडो को, और आज इनका तो हमारी राधा रानी जी की छवि कुछ इस तरीके से है, देखिए इतनी सुंदर लग रही है। ब्लू कलर की ड्रेस हमने तीनों की मैच इसलिए करी है क्योंकि राधा रानी जी को ब्लू कलर बहुत भाता है। अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, गृह प्रवेश इनका होगा अपने घर में, जब मम्मी पापा अपने घर में जाएंगे तब इनका गृह प्रवेश करवाएंगे। और ये हमारे क्या नाम है इनका बताओ, माधव, मम्मी ने इनका नाम रखा है माधव, और इनका गोपू, ये गोपू, और इनका नाम हमने सोचा है रम्या, तो इनका नाम है रम्या। जय हो, तीनों को एक साथ बिठाया है। नटखट बालक इतना रोया पूरी पूजा में, इतना रोया जानबूझ के रोया कि मम्मा कहीं अच्छे से ना कर ले, है ना, आप चुप हुआ है जब बड़ी मुश्किल से सब कुछ फटाफट किया है। कानन जी और को हमने भोग अर्पण कर दिया है, राधा रानी जी के आने की खुशी में आज हमने बनाया है पूरी, मसाला भिंडी, सूजी का हलवा मीठे में, और अरबी और आलू की सब्जी, और ये थोड़ी सी दही। तो चलिए फिर, और ये चरणामृत हमने बनाया था, अब ये हम पाएंगे, अब मेरे लल्ला लाडो सब मिल के भोजन करेंगे, भोग खाएंगे। ऐसे कुछ हमने अपनी लाडो का स्वागत किया है, मुझे पूरी आशा है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, राधे राधे।